कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि एटम जो एटम कंबाइन करते हैं या एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे या फिर वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को का शेयरिंग करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर केमिकल बॉन्ड बनने में अगर केमिकल बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस तरीके के आयनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम इस तरह के आयनिक बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे सॉरी इस तरह के केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्म्ड और किसके बीच में होगा? एक अगर एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी और दूसरे एटम की क्या होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी। यानी फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके यानी जैसे मेटल्स एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके जैसे नॉन मेटल्स लाइक हैलोजन्स। तो ये किसके बीच में बनता है? फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स लाइक मेटल्स एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स लाइक नॉन मेटल्स। यानी जो आयनिक बॉन्ड बनेगा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनेगा, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में बनेगा। जैसे हम बात करते हैं NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसे बना? सोडियम मेटल है, मेटल कैसे है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज करके क्या बन जाएगा स्टेबल ऑक्टेट एक्वायर कर लेगा ये 2-8 स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका नियोन के जैसा। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तो क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे ही एक नॉन मेटल Cl, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2-8-7 तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन करके क्या हो जाएगा ये आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। Cl निगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-8 ये किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कौन सी नोबल गैस के इक्विवेलेंट हो जाएगा आर्गन के। तो Na ने क्या किया अपना हम क्या कह सकते हैं Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको लूज कर देगा Cl को कर देगा। Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बना देगा ये भी स्टेबल हो जाएगा। Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा Cl नेगेटिव और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो और ये क्या करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव है एक दूसरे को क्या कर लेंगे अट्रैक्ट कर लेंगे और इस अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ऐसे ही CaCl2 का फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। CaCl2 में क्या होगा Ca2882 यानी दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या करेगा ऐसी दो Cl को क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और एक Cl क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है 287 एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते स्टेबल हो जाएगा। तो दो एक Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा यानी एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देगा। तो ये Cl भी 288 हो जाएगा, ये भी Cl माइनस बना देगा, ये Cl भी माइनस बना देगा 288 हो जाएगा और ये कैल्शियम क्या आएगा 2 पॉजिटिव बनाएगा क्योंकि उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो क्या कंपाउंड बन जाएगा हमारा CaCl2। तो ये और इसी अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यानी जो बॉन्ड पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के उससे वजह से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? लैंगमुइर ने किया था। इन्होंने क्या किया था जो लुईस कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा रिफाइन किया और उन्होंने क्या किया कोवेलेंट बॉन्ड को यानी कोवेलेंट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग कब होगी? जब दोनों ही एटम कैसे हों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। जब दोनों ही एटम कैसे हों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो यानी दोनों ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स या दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड और टू और मोर नॉन मेटल एटम्स यानी दो नॉन मेटल एटम्स या दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सॉरी कंपाउंड नहीं कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स के बीच में बनेगा। जैसे Cl दो Cl हैं दोनों ही कैसे होते हैं दोनों Cl इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दोनों क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और शेयर करके क्या हो जाएगा दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देख तो यहाँ पे क्या होगा दोनों Cl क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे तो दोनों का ही ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे HCl देखते हैं। HCl में क्या होगा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्टेट जो है
एक एक्सेप्शन होता है ये, हाइड्रोजन का ऑक्टेट जो है दो इलेक्ट्रॉन पे ही स्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो हमारी, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही वैलेंस शैल होती है, एक ही शैल होती है, और फर्स्ट शैल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, केवल दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन पे ही क्या होती है, फुलफिल हो जाती है और स्टेबल हो जाती है ये, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करना होता है। हाइड्रोजन को किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करना होता है, हीलियम का, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, टू, यानी 1s2 ही होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना होता है, तो ये भी, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और Cl में भी क्या है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, तो क्या क्या हो जाएंगे, दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो मेनली तीन तरीके के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा, जब दो एटम में क्या हो, व्हेन टू एटम शेयर्ड वन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी दोनों, दो एटम जो हों वो एक 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 ही इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करें, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे और एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो दोनों के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे HH ऊपर भी एग्जांपल आया था, यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यानी केवल इनके बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही शेयर होगा, तो इसको हम किससे दिखाते हैं, सिंगल लाइन से दिखाते हैं। ऐसे ही HCl के बीच में, इसमें भी क्या होगा, एक 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 ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको भी हमने सिंगल बॉन्ड ही बोलेंगे। ऐसे ही H2O के अंदर देखते हैं, H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 हैं, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि ऑक्सीजन को कितने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ऑक्सीजन जो है इसलिए दो हाइड्रोजन से क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर करेगा, तो क्या बनाएगा ये, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसको कहेंगे हम ऑक्सीजन दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीजन दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शेयर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शेयर कर रहा है ये। ऐसे CCl4 में देखते हैं, कार्बन, कार्बन को कितने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, अभी एक क्लोरीन को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है, तो ये इसलिए एक कार्बन जो होता है 4 Cl के साथ रिएक्ट करता है, 4 Cl के साथ बॉन्ड बनाता है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो 4 सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही NH3, एक नाइट्रोजन को केवल तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक एक तीन हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्या बनाएगा, NH3। नेक्स्ट बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब अगर इफ़ टू एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज़ कॉल्ड डबल इलेक्ट्रॉन, सॉरी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसको, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे O2 में क्या होता है, दोनों ऑक्सीजन पे दो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन देगा और दो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन देगा, तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा ये। ऐसे ही CO2 में हम देख सकते हैं, एक कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है। ऐसे ही CH4 में क्या होगा, दोनों कार्बन क्या कर रहे हैं, दोनों कार्बन दो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही SO2 की स्ट्रक्चर में होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इफ़ टू एटम शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, द बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन में क्या होगा, दो नाइट्रोजन क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को, यानी तीन इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे। और ऐसे ही C2H2, इसमें क्या होगा, दो कार्बन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड में या आयनिक बॉन्ड में पढ़ी है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए या बॉन्डिंग को दिखाने के लिए जो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यूज़ किया है, लुईस सिंबल यूज़ किए हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर। जैसे ये C2H2 की लुईस स्ट्रक्चर है या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ऐसे ये Cl2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये HCl की लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ऐसे ये H2O की लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, तो इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल्स।